सुदर्शन बबलू जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो संकल्प, एक महत्वपूर्ण संकल्प माननीय सदस्य जनकराज जी और श्री सुखराम चौधरी जी लेकर के आए हैं, आपने उस विषय पर मुझे बोलने का समय दिया, मैं आपके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश एक वन प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है और जिसका रखरखाव करना हमारे सरकार का और हमारे समाज का एक दायित्व है, पर हम कुछ समय से देख रहे हैं जो मौसम का मिजाज, जलवायु का मिजाज जो बदला है, इसके लिए हम सब लोग जो हैं, इसको बिगाड़ने के लिए हम सब लोग जो है, हमारे समाज के लोग जो हैं सम्मिलित हैं, और इस जलवायु परिवर्तन का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमने इस बार गर्मियों में देखा। इस तरीके की गर्मी मेरे ख्याल से हमारे प्रदेश के अंदर पहली बार पड़ी, जिसका गर्मियों में टेम्परेचर जो ऊना के अंदर 48 डिग्री इस बार रिकॉर्ड किया गया, जो हमारे प्रदेश के अंदर मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो इस बार प्रदेश के अंदर रहा, तो वो ऊना के अंदर 48 डिग्री टेम्परेचर रहा। तो चाहे वो बरसात की बात की जाए, अगर इस बार बरसात की भी बात की जाए, तो मैं नहीं समझता कि हिमाचल के अंदर पूरे तरीके से बारिश हुई है। जहां भी बारिश हुई है वहां पर बादल फटे हैं, नुकसान हुआ है, पर अगर बारिश की औसत देखी जाए तो बारिश जिस तरीके से हमारे प्रदेश के अंदर होती है, उस तरीके से भी मेरे ख्याल से 40% बारिश जो है क्योंकि कमी रही है, और जलस्तर कहीं ना कहीं तो गर्मी की वजह से बढ़ रहा है। पर अगर भाखड़ा डैम की अगर इस बार स्थिति देखी जाए तो 70 फीट हमारा पानी जो है भाखड़ा डैम के नीचे रहा है। तो बारिश की कमी हम जब देख रहे हैं, चाहे वो बारिश की कमी देखें, चाहे वो हम बरसात सर्दियों में बर्फबारी की कमी देखें, हमारा शिमला भी अगर जहां पर देखा जाए तो हम कम से कम अप्रैल महीने तक यहां पर बर्फ हम जो है सड़क के किनारे पड़ी हुई देखा करते थे। तो आज के समय में शिमला में बर्फबारी अप्रैल महीने में, तो क्या दिसंबर जनवरी में भी बर्फबारी यहां पर शिमला में हमने होते हुए पिछले 2 सालों में वर्षों में नहीं देखी है। तो इसका कारण, जो सबसे बड़ा कारण यही है कि जो वनों का रखरखाव है वो हम सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, उसकी जो अवैध कटान हो रहा है, और जो अवैध कटान के साथ साथ हम जो पौधारोपण करते हैं, पौधारोपण हम करने के लिए हम एक फोटो खिंचवा करके हम सोशल मीडिया में तो दे देते हैं, पर उस पौधे को रखरखाव, उस पौधे की कितनी कामयाब कितने पौधे हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता उसके कामयाब होने की रेशो 1% भी पूरे प्रदेश के अंदर होगी। तो हमें एक ही इस संकल्प के माध्यम से हमें एक बेहतरीन कानून जहां पर बनाना चाहिए कि जो हमारे प्रदेश के अंदर जो हमारे वनों का कटान अवैध रूप से भी हो रहा है, उसको फिर पर भी रोक लगाई जाए। और जिस तरीके से हमारे पिछली सरकार ने जो एक आम के पेड़ काटने की परमिशन इन वन काटुओं को दी थी, और हमारे प्रदेश के अंदर इतने ज्यादा आम के पेड़ काटे गए जिसकी वजह से एक हमारा जो है जलवायु जो है प्रभावित हुआ, और हमारे फलदार पेड़ ऐसे काटे गए जो 100-100 साल और 200-200 साल पुराने पेड़ थे, पिछली सरकार ने उनको वन काटने की जो इन्होंने परमिशन दी। अब मेरे हमारी सरकार, मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, इन्होंने हमारे जो फलदार पेड़ काटने की जो उस पर लगाम लगाई है। और दूसरी बात जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक संकल्प जो लेकर के आए कि हमारे हिमाचल को जो हमने ग्रीन हिमाचल बनाना है, हिमाचल को हमने ग्रीन हिमाचल के रूप में जैसे एक ग्रीन एनर्जी हिमाचल के अंदर प्रवेश की है, ये भी एक बहुत ही सराहनीय कदम माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारी सरकार का है, इसके लिए मैं धन्यवाद भी करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ा विषय था। और दूसरी बात ये थी कि हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर साइंटिफिक तरीके से अगर पेड़ों का कटान हो, साइंटिफिक तरीके से जैसे हमारे चील के हमारे पेड़ हैं, चील के पेड़ के भी जिससे हम लोग उसका एक ऑयल निकालते हैं जिसको हम ब्रोजा बोलते हैं, वो ब्रोजा भी अनसाइंटिफिक तरीके से हम उसको जहां से भी मन करता है उसको काट करके हम उसके नीचे ब्रोजा निकालने वाली वो एक बर्तन उसके नीचे लगा देते हैं। आज हम इस तरीके से जो साइंटिफिक तरीके से उस तरीके को, उस ऑयल को निकाला जाए, वो पेड़ भी बचे रहे, और पेड़ वो ऊपर से तो बड़े हो जाते हैं, नीचे से इतने कमजोर हो जाते हैं कि जैसे भी तेज हवा चलती है तो वो पेड़ टूट जाते हैं। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, इस बार जो हमें सबसे ज्यादा हमारी वातावरण जो हमारा जलवायु जो है
वो प्रभावित हुआ। मैं ये समझता हूं कि जंगलों में जो इस बार आग लगी, उस जंगलों की आग की वजह से हमारे पूरे प्रदेश के अंदर जो है एक अलग तरीके का जो है जलवायु परिवर्तन हमें देखने को मिला। और ये आग जो लोग लगाने वाले कौन है, ये लोगों के ऊपर एक सख्त कानून बनाया जाए। जो हमने इस बार देखा कि जिस तरीके से जंगल धूं धूं करके जले हैं, वहां पर हमारे जंगली जानवर जले हैं, हमारी जो वनस्पतियां जो हमारी नष्ट हुई हैं, इसका कम से कम जिम्मेवारी जो है भाई हमें इसके ऊपर हमारे ये कानून एक नीति बननी चाहिए और ऐसी नीति जरूर बननी चाहिए जिससे आने वाले समय में हमारे जंगल जो है सुरक्षित भी रहे। हमारी ऐसा कानून जरूर बनना चाहिए जिससे हमारी आर्थिकी भी बढ़े और हमारे जो है जंगल भी सुरक्षित रहे, क्योंकि हमारा प्रदेश जो है एक हमारी जो बड़ी संपदा हमारे प्रदेश की है वो एक वन है और उसके लिए हमें जरूर एक संकल्प लेना चाहिए। जो आज ये संकल्प माननीय सदस्य लेकर के आए हैं, एक बहुत बढ़िया संकल्प है और जिसके माध्यम से आज हम ये देखते हैं कि हम किसी स्कूल में, हम किसी फंक्शन के अंदर जब हम जाते हैं, मेरी एक सबमिशन है इसमें कि वहां पर जो हमारे अधिकारी या कर्मचारी हैं वो हमें सम्मानित करने के लिए या किसी नेता को या वहां पे किसी चीफ गेस्ट को सम्मानित करने के लिए बड़े बड़े मोमेंटो शॉल और टोपियां देते हैं, तो मैं समझता हूं कि उसकी वजह से, उसकी जगह पर अगर हम उनको एक पौधा वहां पर उस पौधे से सम्मानित किया जाए और उस पौधे का सम्मान भी किया जाए और आने वाले बच्चों को जैसे हम सम्मानित करते हैं मोमेंटो की वजह से करते हैं, तो उसको भी हम बच्चों को जो है पौधे दे करके उनको हम उनको बच्चों को ये प्रेरणा भी दें कि इस पौधे की जो रक्षा भी आप लोगों ने करनी है। अगर ये संकल्प हम आज हमारी सरकार हमारे जहां से माननीय सदन के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि लेती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा प्रदेश एक बार फिर ग्रीन हिमाचल के नाम से जाना जाएगा। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का जिन्होंने एक संकल्प जो है ये लिया है कि हिमाचल को ग्रीन हिमाचल बनाया जाएगा और इसके लिए हम सभी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं जो संकल्प आज माननीय सदस्य लेकर आए, आपने मुझे सर उस पर बोलने का समय दिया, आपका मैं बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद। थैंक यू टू बी विद इन टाइम।